हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल LFT हिंदी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको विशेषण के विषय में बताऊंगी। विशेषण क्या होते हैं? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने लिखा काली गाय, यहाँ पर गाय की विशेषता बताई जा रही है कि गाय कैसी है, काली है। तो काली शब्द विशेषण हुआ, गाय शब्द विशेष। अब विशेष क्या होता है? वह शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है वह शब्द विशेष कहलाता है, और जो विशेषता बताई जाती है वह विशेषण कहलाती है। तो काली विशेषण शब्द हुआ और गाय विशेष शब्द हुआ। अब हम पढ़ेंगे विशेषण के प्रकारों के विषय में। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण को चार भागों में बांटा गया है। नंबर एक है गुणवाचक विशेषण, नंबर दो है संख्यावाचक विशेषण, नंबर तीन है परिमाणवाचक विशेषण और नंबर चार है सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। वह विशेषण जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध होता है वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। गुणवाचक विशेषण को भी कई आधारों में बांटा गया है, जैसे गुण, रंग, दशा, काल, आकृति। सबसे पहले हम लेते हैं गुण। गुण में आता है भला, बुरा, अच्छा। जैसे हम किसी व्यक्ति के लिए बोले मोहन अच्छा अच्छा आदमी है, मोहन बुरा आदमी है, इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है रंग। रंग के आधार पर काला, नीला, पीला, किसी भी रंग को ले लिया जाए तो वह गुणवाचक विशेषण में आएगा। जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया था काली गाय, गाय कैसी है, काली। तो ये विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। तीसरा है दशा के आधार पर। दशा के आधार पर मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, मोटा, पतला, युवा, वृद्ध। ये दशा के आधार पर मोटा, किसी व्यक्ति के लिए कहा जाए कि वह व्यक्ति मोटा है या वह व्यक्ति पतला है तो उसकी विशेषता किसके आधार पर बताई जा रही है? दशा के आधार पर उसकी विशेषता बताई जा रही है। किसी व्यक्ति के लिए कहा वह व्यक्ति युवा है या वह व्यक्ति वृद्ध है तो उसकी दशा के आधार पर विशेषता बताई गई है, इसीलिए यह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। काल, काल के आधार पर भी गुणवाचक विशेषण को बांटा गया है। जैसे नया, पुराना, ये काल के आधार पर बांटा गया है। नया, पुराना, किसी के लिए कह दिया कि नया मकान या पुराना मकान, तो इस प्रकार काल के आधार पर भी गुणवाचक विशेषण को बांटा गया है। समय, काल यानी समय, समय के आधार पर प्राचीन भी बोल सकते हैं हम यहाँ पर, प्राचीन, ये भी कालवाचक गुण विशेषण कहलाएगा। एक है आकृति। आकृति में कई प्रकार की आकृति होती है, गोल, लंबा, चौकोर, कई प्रकार की आकृति होती है। तो आकृति के आधार पर भी हम उसे गुणवाचक विशेषण में बांट सकते हैं। जैसे हमने बोला वह वस्तु गोल है, वह कपड़ा चौकोर है या वह व्यक्ति लंबा है, किसी भी प्रकार से। तो आकृति के आधार पर भी हम इसको बांट सकते हैं। तो ये हुआ हमारा गुणवाचक विशेषण। इसके बाद जो हमारा दूसरा विशेषण है वह है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण वह होता है जो किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराता है, संख्या का पता चलता है, इससे वह होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण को भी दो भागों में बांटा गया है।
जैसे पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित और अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आता है कोई वस्तु जो निश्चित होती है, जो निश्चित रहते हैं वह आती है निश्चित संख्यावाचक विशेषण में, जिसकी संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 10 आदमी, 10 आदमी, तो ये किसमें आएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में। यहाँ पर लिखा मैंने 5 रुपए, तो देखिए आदमी की संख्या निश्चित है, आदमी 10 है, रुपए की संख्या भी निश्चित है, रुपए कितने हैं, 5। इसके बाद आएगा दूसरा अनिश्चित, जिससे हमें वह विशेषण जिससे हमें अनिश्चितता का पता चलता है, हमें लगता है कि वह चीज निश्चित नहीं है, पता नहीं कितनी है, तो वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आता है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर कुछ लोग, कई आदमी, तो देखिए कुछ और कई, ये हमारी अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं, हमें पता नहीं है कि कुछ लोग कितने हैं या आदमी कितने हैं, तो ये हमारी अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं। तो ये हुआ अनिश्चित संख्यावाचक। इसके बाद अगला आएगा हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण वह विशेषण होता है जिससे किसी वस्तु की मात्रा का पता चलता है, क्वांटिटी, वह मात्रा, वस्तु मात्रा में कितनी है। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक होता है निश्चित परिमाण वाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। देखिए पहले है निश्चित परिमाण वाचक विशेषण। निश्चित परिमाण वाचक विशेषण में क्या होता है, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण में कोई भी वस्तु क्या होती है, निश्चित होती है। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 5 किलो दूध, तो देखिए दूध की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो निश्चित है, दूध कितना है, 5 किलो है, तो ये किसमें आएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। अब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण वह विशेषण होता है जिसमें क्या होता है, जिसकी मात्रा अनिश्चित होती है, जिसमें वस्तु की मात्रा अनिश्चित होती है वह होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 किलो दूध है, इसमें निश्चित परिमाणवाचक में, अनिश्चित में हो गया थोड़ा दूध, थोड़ा दूध, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आ गया। या कुछ बोल सकते हैं, कुछ फल, कुछ फल, तो देखिए इनकी जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो अनिश्चित है, इसीलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आएंगे। अगला है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक, जैसा कि इससे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, वह विशेषण जो सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से आपको समझाती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा यह मेरा घर है, यह क्या है, सर्वनाम शब्द है। यहाँ पर देखिए सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जा रही है, सर्वनाम शब्द के माध्यम से बताया जा रहा है कि यह मेरा घर है। सर्वनाम शब्द के माध्यम से इसको समझाया जा रहा है कि यह मेरा घर है, तो ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। एक और उदाहरण, वह किताब फटी है, वह
किताब के विषय में बताया जा रहा है, किताब के विषय में कि किताब कैसी है, फटी है, तो वह सर्वनाम के विषय में बताया गया, वह सर्वनाम यानी किताब के विषय में बताया जा रहा है कि किताब कैसी है, फटी है, तो यहाँ पर हुआ सार्वनामिक विशेषण। अब मैं आपको विशेषण से संबंधित ही एक शब्द और है, वह है प्रविशेषण। प्रविशेषण इसके विषय में बताती हूँ। प्रविशेषण क्या होता है? वे शब्द जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। प्रविशेषण को मैं अब एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगी। जैसे मोहन बहुत तेजी, मोहन बहुत तेज दौड़ता है, ये लिखा मैंने एक उदाहरण, मोहन बहुत तेज दौड़ता है। इसमें देखिए मोहन की विशेषता बताई जा रही है, तेज तेज दौड़ना, ये उसकी विशेषता है। लेकिन जो विशेषता के जो पहले शब्द आया है बहुत, ये बहुत शब्द प्रविशेषण कहलाएगा, क्योंकि ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। जो विशेषण है हमारा तेज, तो तेज की भी ये विशेषता बता रहा है बहुत शब्द, इसलिए ये बहुत शब्द प्रविशेषण कहलाएगा। तो ऐसे शब्द, ऐसे विशेषण शब्द जो विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं वह प्रविशेषण कहलाते हैं। ये इस तरह का जो प्रश्न है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कई बार प्रविशेषण से संबंधित, इसलिए ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब है विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। पहला है मूल अवस्था, दूसरी है उत्तर अवस्था और तीसरी है उत्तम अवस्था। तीन अवस्थाएं होती है, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था, तीन प्रकार की। अब विशेषण की जो अवस्थाएं हैं उनके आधार पर विशेषण की तुलना भी की जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द लिया कोमल, कोमल ये इसकी मूल अवस्था होगी। कोमल के बाद मैंने यहाँ लिखा कोमल तर, तो ये इसकी उत्तर अवस्था कहलाएगी। तीसरा शब्द लिया कोमल तम, तो ये इसकी उत्तम अवस्था कहलाएगी। यानी मूल अवस्था, फिर उससे अच्छी अवस्था और फिर सबसे अच्छी अवस्था कोमलतम। इनको उत्तर अवस्था में तर के द्वारा जोड़ा गया है और लास्ट में उत्तम अवस्था में तम शब्दों के द्वारा जोड़ा गया है। एक और उदाहरण लिया मैंने, जैसे उच्च, उच्चतर, उच्चतम। इसमें भी देखिए उच्च मूल अवस्था है, उच्चतर उत्तर अवस्था है, उच्चतम उत्तम अवस्था है। तो इस आधार पर इसमें जो द्वितीय है उत्तर अवस्था, इसमें तल लगाया, उत्तम अवस्था में तम लगाया, इन शब्दों के आधार पर इसकी पहचान करते हैं। तो ये विशेषण की अवस्थाएं। तो ये विशेषण से संबंधित हमारा जो टॉपिक है ये यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।